गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESS YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 को हम लोग कहा कि समाप्त कर लिए हैं, ठीक है। NCERT बुक से हम उसको कहा कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन आज हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं आप लोग का NCERT बुक का एग्जाम्पल बताएंगे। क्या बताएंगे? जितना आप लोग का NCERT बुक में एग्जाम्पल क्वेश्चन होगा हम उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ओके। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक जो ESS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का मैथ का जो वीडियो होगा टाइम टू टाइम मिलेगा, ओके। तो चलिए हम चलते हैं आप लोग का NCERT बुक का एग्जाम्पल 4, जो मेन आप लोग का क्वेश्चन है, जो मेन आपका एग्जाम्पल है, हम वही हल करेंगे, ठीक है ना। तो सुनिएगा, बोला है कि सो दैट एग्जाम्पल है, सो दैट मतलब सिद्ध करे, क्या करे इसको, सो दैट मतलब क्या करे, सिद्ध करे। इसमें कोई ज्यादा इंग्लिश नहीं आया है, तो सो दैट का सिद्ध करना है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इक्वल टेन इनवर्स 3/4, इतना हम लोग को लाना है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले हम लोग LHS टर्म को लेंगे, कौन टर्म को लेंगे, LHS। तो LHS में हम लोग का है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, हल करना है, तो एकदम सिंपल है। एक आप लोग का सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 - xy। इस फॉर्मूला को हमको बैठाना होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स बैठाएंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x का काम कौन करेगा 1/2, आप प्लस वाई का काम कौन करेगा 2/11 करेगा, नीचे हो जाएगा 1 - 1/2 (2/11). एलसीएम ले लिए, हल करिएगा टेन इनवर्स, एलसीएम लीजिएगा तो 22 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 11 प्लस बन जाएगा 4, और नीचे हम डायरेक्ट कर रहे हैं एक लाइन, है ना, 22 - 2/11, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां हल कर रहे हैं तो टेन इनवर्स कितना आ जाएगा ऊपर, यहाँ 22 हो जाएगा, सर 22 से 22 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 15 बाई 20 क्या बनेगा 20। टेन इनवर्स 5 3 जा 5 4 जा, मतलब 15 + 5 = 20। तो इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर का हो गया 4 बन गया। NCERT का एग्जाम्पल हम लोग का क्या है, 4 है। NCERT का हम लोग का एग्जाम्पल है क्या है बाबू, NCERT का हम लोग का एग्जाम्पल है क्या है बाबू, तो NCERT का जो एग्जाम्पल नंबर हम लोग का 4 हुआ। अरे आप लोग का फॉर्मूला है जो आप लोग जान चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 - का होगा xy। कंफर्म है, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे 5। इस बुक का हम एग्जाम्पल कौन पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 5 एग्जाम्पल हम कौन पढ़ेंगे बाबू, एग्जाम्पल 5 को बोला है एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, एक्सप्रेस टेन इनवर्स क्या है कॉस एक्स बटा में 1 - का है साइन एक्स है, कॉस एक्स बटा में 1 - का है साइन एक्स है, अब माइनस 5/2 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 5/2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, हल करना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, हल करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बनवा दिए हैं,
लेकिन हम फिर आप लोग को इस क्वेश्चन को हल कर कर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर सॉल्व। सुनिएगा, इसको हम दो तरीका से हल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से हल कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी में, जो आप लोग का एनसीईआरटी में ये आप लोग का क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के बुक में आप लोग का दो तरह से क्वेश्चन बनाया है, अब दोनों तरीका हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हम पहला बताएंगे फर्स्ट मेथड, कौन मेथड, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड हम हल करेंगे तो सुनिएगा, जानते हैं कि टेन फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में जब हम सोल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स कॉस एक्स बटा में वन माइनस साइन एक्स। और आप लोगों को पीछे बताया है यहां पर कि हम लोग का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस एक्स का टू साइन ए स्क्वायर एक्स बाई टू। फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस एक्स का क्या होता है टू कॉस ए स्क्वायर एक्स बाई टू। और फॉर्मूला होता है किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स बाई टू, सॉरी टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ये हमारे पास फॉर्मूला है, एक तीन फॉर्मूला है और इस तीन फॉर्मूला को अच्छा से आप लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अच्छा से इस तीन फॉर्मूला को आपको क्या करना होगा, ध्यान देना है, क्लियर है। तो सुनिएगा, तो वन माइनस कॉस का होता है वन प्लस कॉस का होता है और साइन का होता है। तो जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है यहाँ वन माइनस का है साइन है, यहाँ का दिया है कॉस, तो क्या कॉस का फॉर्मूला है, क्या वन माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला है, नहीं ना। तो इसको इस रूप में लाना पड़ेगा। तो सुनिएगा, टेन इनवर्स कॉस के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, क्लियर है। और यहां लिख सकते हैं वन माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, हो गया। टेन इनवर्स, सुनिएगा बाबू, अब ये फॉर्मूला हो गया, ये बन गया नहीं फॉर्मूला, एक्स है तो एक्स के बाई टू करेंगे तो इसमें हम लोग का एक्स का काम थीटा का काम पाई बाई टू माइनस एक्स किया है तो लिखेगा टू साइन, यहां लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा और यहां लिखेंगे कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बाई का बाई टू। समझे टू कहां से आया है वाला, क्योंकि एक्स बाई टू होता है ना बाबू, तो एक्स है तब ना एक्स बाई टू किए हैं, अगर यहां पर पाई बाई टू माइनस एक्स तो उसका पूरा बटा करेंगे ना। अब नीचे आएगा तो टू एक कॉस लिखा जाएगा ना, एक कॉस बराबर, तो टू या हो जाएगा साइन ए स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। ए मंझोला कोष्ट क्या लिख देंगे तो ध्यान दीजिएगा, टू से टू हमारा कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, तो क्या बच जाएगा हम लोग का ऊपर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ऊपर बचेगा, एक कॉस बचेगा, तो कॉस इसको अलग अलग करेंगे तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू डेड कर दिए हैं। देखिए अलग अलग करेंगे तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और इसको जब अलग अलग करेंगे तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई, ठीक है। यहां लिखा जाएगा टेन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉट का, तो कॉट का पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अभी भी ए वैल्यू हम लोग का इसके जैसा नहीं आया, अभी भी ए वैल्यू इसके जैसा नहीं आया, लेकिन एक बार ध्यान देना होगा कि हम लोग का रेशियो है, निष्पत्ति है, क्योंकि रेशियो किसका किसका होता है, साइन का कॉस का, साइन कॉस में जाएगा कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा कॉट टेन में जाएगा, सेक कोसेक में जाएगा कोसेक सेक में जाएगा, ठीक है। तो रेशियो में चल जाएगा, तो रेशियो कभी भी हल करेंगे तो उसको 90 में से ही घटाएंगे, किसमें घटाएंगे, तो टेन 90 में से तो पाई बाई टू बन जाएगा, पाई बाई टू बन जाएगा, थीटा घटाइएगा तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। पाई वाले को पाई साथ हल करिएगा तो टू पाई माइनस पाई प्लस एक्स बाई टू, हल करिएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। इस तरह से ये हम लोग का एक क्वेश्चन का हुआ प्रूफ हो गया, इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग का कहा गया प्रूफ हो गया, ठीक है।
इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन का हो गया प्रूफ हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों को बहुत दिए हैं और आप लोग बनाए होंगे, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर लीजिए। ध्यान देना है कि हम लोग का फॉर्मूला 1 cos का होता है और 1 cos का होता है और साइन का होता है, न कि cos का होता है और न कि साइन 1 sin का होता है। तो आप निष्पत्ति पढ़ेंगे रेशियो, cos को हम ऐसे लिख सकते हैं और 1 sin को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए साइन का फॉर्मूला है 2 sin² x/2, तो 2 sin x/2 cos x/2, तो 2 sin x का काम हमारा कौन किया, π/2 - x, और उसका पूरा बटा करेंगे 2, कटे गए हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कट गया, ऊपर कॉस नीचे का बचेगा साइन। अब बात रहे सर 4 और 2 कहाँ से आया, तो दोनों को अलग अलग किए, तो π/2 का गुना इसमें भी किए, गुना नीचे किए, ठीक है। तो π/2 × 4 π/2 x/2 हो जाएगा, हल किए है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का आया तो इसके जैसा नहीं ना पाया, जब इसके जैसा नहीं आया जिसको निष्पत्ति का सहारा लेंगे, निष्पत्ति में हमेशा 90 में से घटाते, जिसको इंग्लिश में रेशियो बोलते, क्या बोलते, तो रेशियो में से घटाए, ठीक है, हल किए हम लोग का वैल्यू आया। इस तरह से ये हम लोग का NCERT का एग्जाम्पल का हुआ 5वां, और एक कौन सा मेथड हुआ, फर्स्ट मेथड हुआ, ठीक है। अब इसी का हम बात करेंगे सेकंड मेथड, इसी का हम कौन सा मेथड बात करेंगे बाबू, सेकंड। तो सेकंड मेथड हम लोग का क्या है, ध्यान देना है सेकंड मेथड क्या है कि देखिएगा, टैन इनवर्स, पहले क्वेश्चन उतार है, टैन इनवर्स कॉस एक्स बटा में 1 का है साइन एक्स, ठीक है। आप इस तरीका को भी यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे cos 2x का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, cos a² x - sin² x, पढ़े होंगे। इसी के सिमिलरली अगर बनाना चाहेंगे, तो अगर cos x लेंगे, क्या लेंगे, cos x, तो आप समझिएगा हमेशा थीटा में 2 से भागा देंगे, तो इसमें 2 से भागा क्योंकि 2 कट गया होगा, तो इसके सिमिलरली बनेगा cos x, तो क्या बन जाएगा, cos a² x/2 - sin a² x/2 बन जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा कि cos x के जगह पर बैठाएंगे, किसके जगह पर बैठाएंगे, cos x के जगह पर। ये रियल में हम लोग जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला cos² x - sin² x होता है, और इसी के सिमिलरली बनाइएगा, तो यहाँ 2 था तो 2 में भागे 2 कट गया है, यहाँ 2 में भागा देंगे तो 2 रह जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, एक और ध्यान रखिएगा, सुनिए आप लोग पढ़े एक के जगह पर हम सुनिएगा, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ध्यान, इसके जगह पर हम क्या करें सुनिएगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स के जगह पर रख सकते हैं cos² x/2 - sin² x/2, उसके जगह पर हो गया cos x के जगह पर। आप सुनिएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो इसके अनुसार पढ़ लेंगे कि cos² x/2 + sin² x/2, इसके जगह पर हम एक रख देंगे, माइनस साइन एक्स है ना बाबू यहाँ पर, तो साइन एक्स का खुद फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 sin x / 2 cos x / 2 ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है इसके बराबर हम लोग का 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू जो लिए है साइन एक्स के बराबर लिए, किसके बराबर लिए है, आप लोग पढ़े होंगे कि cos² x / 2 + sin² x / 2, मतलब cos² x + sin² x = 1 होता है, तो थीटा का काम कुछ भी कर जाएगा, तो हम ये वैल्यू जो आया है एक के जगह पर आया है, और ए वाला जो वैल्यू है आप लोग जानते हैं कि साइन एक्स के जगह पर है, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, सुनिएगा, जब इसको हल करेंगे तो टेन इनवर्स, सुनिएगा, ऊपर वाला एगो प्लस एगो माइनस का फॉर्मूला हो जाएगा, तो cos² x / 2 - sin² x / 2 और cos² x / 2 + क्या बन जाएगा, sin² x / 2। अगला है, ये फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² - 2ab, ये बन जाएगा cos x / 2 - sin x / 2, और ये पूरा का बन जाएगा होल स्क्वायर, कब, जब इसको
फॉर्मूला इसको तोड़िएगा तो ए वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, हल करेंगे तो टैन इनवर्स, हल करेंगे तो टैन इनवर्स सुनिएगा, एक एक माइनस ले एगो माइनस कट जाएगा, कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई टू अब प्लस साइन एक्स बाई टू। अब बताए थे कॉस एक्स बाई टू अब माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। इतना तो हम लोग का आ गया, एक बार ध्यान देना है बाबू, फिर से कॉस एक्स के जगह पर हम बैठा है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा एक के जगह पर रखे हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के जगह पर एक हो जाएगा, और साइन एक्स के जगह पर हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये दोनों से कट जाएगा ए बचेगा। और आप लोग फिर एक बार हम बताना चाह रहे हैं कि कल आप लोग को बताए थे कि जहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होता है तो हम उसके जगह पर टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स लिखते हैं, दिख रहे हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स लिखते, नहीं दिखाई दे रहा, नीचे लिख रहे हैं ना, एक टर्म नहीं आ पा रहे हैं, सुनिएगा यहाँ पर लिख रहे हैं। आप लोग कल बताए थे कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रहता है तो हम इसको लिखते हैं टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, कब जब ऊपर माइनस रहेगा तो माइनस बैठाएंगे प्लस होगा तो क्या बैठाएंगे प्लस, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चला जाए तो टेन इनवर्स टेन लिख देंगे ना बाबू, क्या लिखेंगे बाबू पाई बाई फोर, तो आप पाई बाई फोर लिख दिए, माइनस है तो माइनस है प्लस होगा तो प्लस है तो प्लस लिख देंगे, यहाँ एक्स था तो हमने एक्स लिखे हैं, यहाँ एक्स का काम कौन किया एक्स बाई टू किया, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना तो क्या बन जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो इस तरह से ये हम लोग का एक क्वेश्चन का हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग देख लिए कि सेकंड मेथड का भी हम लोग प्रयोग कर लिए, सेकंड मेथड का भी हम लोग प्रयोग कर लिए, तो आपको जो आसान पड़ेगा आप उस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेकेंड मेथड का भी प्रयोग कर लिए, तो देख लीजिए जिस प्रकार कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स होता है, उसी प्रकार यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस माइनस होगा तो माइनस, ठीक है। तो हम लोग का एग्जाम्पल खत्म हो गया पांच, चलिए अगला हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं, हम एग्जाम्पल नंबर आगे बढ़ रहे हैं, जो आप लोग का इंपॉर्टेंट होगा वही एग्जाम्पल का बात करेंगे बाबू, जो आप लोग का इंपॉर्टेंट होगा वही एग्जाम्पल का बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर पांच हो गया, चलिए एग्जाम्पल नंबर छ हो गया, तो छ में देख लीजिएगा कॉट इनवर्स वन बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो देखिएगा यहां दिया है मोड एक्स ग्रेटर देन वन वन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सरलतम रूप में क्या कहना व्यक्त करना है, तो एकदम सिंपल है ये, आप लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया, प्रतिस्थापन विधि, कौन विधि प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि तब जानेंगे जब रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस एक्स रहेगा, था तो ये हम लोग का रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो हम लोग मानेंगे एक्स बराबर ए सेक थीटा, नहीं क्योंकि ए के जगह पर एक दे दिया है तो मानेंगे सेक थीटा मानेंगे, इसलिए जब थीटा निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का sec इनवर्स x। अब लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में देखिएगा cot इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है, मान पुट किया जाए cot इनवर्स वन बाई रूट एक्स के जगह पर क्या माने हैं sec थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन बन जाएगा, cot इनवर्स ध्यान देना है क्या बन जाएगा tan tan स्क्वायर क्या बन जाएगा थीटा, cot इनवर्स तो क्या बन जाएगा वन बाई tan थीटा, तो cot इनवर्स इसका उल्टा क्या बन जाएगा वन बाई tan का उल्टा cot बन जाएगा, बन जाएगा ना ये कैंसिल हो जाएगा क्या होगा थीटा, और लास्ट में थीटा का मान बैठा दीजिए तो क्या है थीटा का मान sec इनवर्स x, तो
इस तरह से ये हम लोग का ये थीटा का मान यहाँ से आ रहे हैं बैठा रहे हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया, 6। ये आप लोग का बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फिर इसको हम समझा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी दो चैप्टर को पढ़ लीजिएगा अच्छा से, डबल जितना आपको बनाना है बनाइएगा, है ना। आपको जब पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, आपको कहीं भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने वाले हैं, सातवां, प्रूफ दैट दिया है हम लोग का tan inverse x plus tan inverse 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है क्या tan inverse 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x का स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है, तो कोई ध्यान देना, घबराना नहीं है, एकदम सिंपल है। तो tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स नहीं tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हल कर रहे हैं, तो यहाँ tan इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स x हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 tan इनवर्स x। और आप लोग जानते हैं कि 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। बस ये सिंपल है, क्या किए पहले कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस इसका वैल्यू टोटल हो जाएगा 2 tan इनवर्स, फार्मूला है 2 है कितना का 3 हो जाएगा, और डायरेक्ट फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का, डायरेक्ट फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें नहीं कि घबराना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर हम 8 बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का बात बोला है कि cos, फाइंड द वैल्यू मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें ऑफ दिया है cos, क्वेश्चन में दिया है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसका हमको मान ज्ञात करना है। कंडीशन डाला है कि मोड x ग्रेटर देन इक्वल 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन में आ जाएगा। तो क्या आता है, cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। और ये आप लोगों का प्रॉपर्टी नंबर क्या है, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, हल करिएगा 0 हो जाएगा, हल करिएगा आपका क्या बन जाएगा, 0 हल करिएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, हल करिएगा क्या बन जाएगा, 0। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन बन गया, क्लियर है, देख लीजिए। तो ये 8 है और ये क्या है, 9 है, ओके। अब हम एग्जाम्पल बात करने वाले हैं, अब हम अगला एग्जाम्पल का बात करेंगे जो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर आप लोग का 9, एग्जाम्पल नंबर आप लोग का 9 है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 पाई बाई का है 5, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन बता चुके हैं, एक क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, हम एक क्वेश्चन को आपको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट साइन इनवर्स
थ्री बाई फाइव प्लस साइन इनवर्स एट बाई सेवेंटीन और इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 84 बाई 85। इतना हम लोग को प्रूफ कर कर करना लाना है। तो आप ये भी जानते होंगे क्योंकि हम लोग को लाना किसके रूप में है बाबू, हम लोग को लाना किसके रूप में, कॉस के रूप में है। ये हम लोग का पहले रूल है कि रूल नंबर वन, तो रूल नंबर वन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ एंगल हमको मालूम नहीं है। तो रूल नंबर दो अप्लाई होगा, तो रूल नंबर दो में आपको ध्यान देना है कि हमको लाना किसके रूप में, आंसर कॉस के रूप में। तो दोनों को चेंज करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे बाबू, चेंज करेंगे। सुनिएगा, लेट साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव इक्वल ए मान लिए, तो क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल थ्री बाई फाइव बन जाएगा, तो पी इक्वल थ्री हो जाएगा, एच इक्वल फाइव हो जाएगा। हमको बी निकालना है, आप यूज करिएगा एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग का डायरेक्ट बी का वैल्यू आएगा फोर। बी का वैल्यू डायरेक्ट क्या बन जाएगा फोर। इसके लिए चला जाए तो साइन इनवर्स एट बाई सेवेंटीन इक्वल बी मान लीजिए, तो साइन बी जब निकालिएगा एट बाई सेवेंटीन, ठीक है। अब देखिए इसके लिए पी कितना आ जाएगा आठ, एच का वैल्यू बन जाएगा सत्रह, तो हम निकालेंगे बी, तो एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर जब बैठाइएगा तो आप लोग का बी का वैल्यू आ जाएगा पंद्रह, ठीक है। इतना आ गया ना बाबू, इतना हम लोग का आया ना, देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग चलेंगे किस फ्रॉम क्वेश्चन, तो क्या है साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव प्लस साइन इनवर्स आठ बाई सत्रह। तो साइन इनवर्स को किस में बदलना है, कॉस इनवर्स बी बाई एच, और ये भी बदलना है कॉस इनवर्स बी बाई एच। तो सुनिएगा, कॉस इनवर्स ये पहला टर्म के लिए है, तो इसके लिए बी का काम चार किया, एच का काम पांच किया। इसके लिए बी का काम कौन किया, तो इसके लिए बी का काम पंद्रह किया, एच का काम तेरह किया, सत्रह किया, ठीक है। अब हल किया जाए तो कॉस इनवर्स, आप लोग का इनवर्स का फॉर्मूला है, तो इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दोनों गुणा में चार गुने पांच बट्टा में पंद्रह गुने सत्रह, पंद्रह गुने सत्रह माइनस हो जाता है यहां पर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो चार बट्टा पांच का ए स्क्वायर बन जाएगा, और फिर इंटू लिखेंगे वन माइनस पंद्रह बटा सत्रह का ए स्क्वायर, पंद्रह बटा सत्रह का ए स्क्वायर, ठीक है। हल करेंगे तो कॉस इनवर्स पंद्रह चौके साठ और सत्रह पचे पचासी, पंद्रह चौके साठ, एक मिनट देख लिया जाए क्या है, इसमें ध्यान देना है। यहाँ हम लोग का क्वेश्चन माइनस में दिया है, एक क्वेश्चन किस में दिया है सुधार लीजिएगा, एक क्वेश्चन माइनस में दिया है, किस में दिया है माइनस में, एक किस में दिया है वो माइनस में, तो ये प्लस बन जाएगा। अब देखिएगा रूट, जब इसको हल करेंगे तो वन माइनस सोलह बटा पच्चीस, और इसको हल करेंगे तो वन माइनस दो सौ पच्चीस बटा दो सौ नवासी। तो बोलिएगा कॉस इनवर्स ये कितना बन जाएगा, साठ बटा पचासी, यहाँ प्लस है, और यहाँ जब हल करेंगे तो हल करें तो पच्चीस माइनस सोलह बटा में पच्चीस, और ये हल करिएगा दो सौ नवासी माइनस दो सौ पच्चीस बटा में दो सौ नवासी, दो सौ नवासी। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना आप लोग, ये फार्मूला के यूज किया जा रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना, दो लाइन और है जो हम यहां उतार यहां पर, तो कॉस इनवर्स सुनिएगा, ये 60 बटा तक 85 हो जाएगा, अब प्लस यहां ध्यान देना है, इस 25 में से 9 घटेगा, 25 में से 16 घटेगा 9, 9 का वर्गमूल 3 और नीचे 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा,
और यहाँ घटेगा तो ए हो जाएगा आप लोग का, घटेगा तो ए आ जाएगा आप लोग का 49। एक मिनट, अगर घटाया जाएगा तो 289 में 289 में 225 घटेगा तो हो जाएगा 4। एक मिनट, ए 64 होगा, क्या हो जाएगा 64, 64 का वर्गमूल 8 आबाटा हो जाएगा नीचे 13 17, नीचे 289 का वर्गमूल 17। हल करिएगा तो कॉस इनवर्स कितना होगा 60/85 प्लस 24/85। एक लाइन हल और हल कर लीजिए तो कॉस इनवर्स 84, कॉस इनवर्स 84/85। तो इस तरह से हम लोग का ये हल हो गया, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो गया भाई, हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर हल हो गया, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, हल हो, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना आप लोग क्वेश्चन बनवाए हैं, आप लोग का जितना क्वेश्चन बना हुआ है वही हम लोग का क्वेश्चन इसमें आ रहा है, ठीक है ना, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं, अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 11 क्वेश्चन का, क्या है बाबू 11 में है कि सो दैट क्या है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। इतना हम लोग को प्रूफ कर कर क्या करना है, लाना है। तो पहला रूल क्या कहता है कि एंगल ए, तो सब एंगल हमको नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में तीनों तीन तरह का है, तीनों हम लोग का जो आया है तीनों किस तरह का है, तीन तरह का है, तीनों जो हम लोग का आया है तीनों कितने तरह का है बाबू, तीन तरह का है। तो कोई एक ही रूप में लाइए, या तो सबको या तो साइन ही बना दीजिए, नहीं तो सबको कॉस ही बना दीजिए, नहीं तो सबको टेन ही बना दीजिए, ठीक है। तो हम सबको टेन बनाना चाह रहे हैं क्योंकि टेन वाला फार्मूला आसान होता है, ठीक है। तो सुनिएगा, जब हम यहाँ सोल्व करेंगे तो सुनिएगा, लेट साइन इनवर्स 12/13 इक्वल ए हो जाएगा, तो साइन ए इक्वल 12/13 बन जाएगा, तो P का वैल्यू हो जाएगा 12, H का वैल्यू हो जाएगा 13, ठीक है। अब भी हम लोग को निकालना है, इस फार्मूला के यूज करिएगा, तो आप लोग हल करिएगा, हम लोग का B का जो वैल्यू आएगा वो 5 आएगा, क्या आएगा 5। इसके लिए cos inverse 4/5 इक्वल मान लिए B, तो cos B इक्वल क्या बन जाएगा बाबू 4/5, ठीक है। तब b का काम कितना करेगा 4, h का काम कितना करेगा 5, हमको निकालना है p। फिर वही बात, h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जब यूज करिएगा तो हम लोग का p का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 होगा, आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। जब क्वेश्चन का बात किया जाए तो क्वेश्चन में है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 है प्लस टेन इनवर्स 63/16 है। इसके बराबर जगह नहीं होने के चलते हम यहां उतारे, इसको हल कर रहे हैं, तो इसको किस में चेंज किया जा रहा है, टेन के रूप में, तो टेन इनवर्स पी बाई बी हो जाएगा। इसको भी किसके रूप में चेंज किया जा रहा है, टेन के रूप में, तो पी बाई बी हो जाएगा। अरे हम लोग का 10 के रूप में पहले से है ही, हल करिएगा 10 इनवर्स ये पहला है, तो इसके लिए P का काम कितना कर रहा है 12 और B का काम किया 5, 10 इनवर्स इसके लिए P का काम कितना किया 3 और B का काम कितना किया 4 प्लस 10 इनवर्स 63/16 का बन जाएगा 16। अब ये दोनों का फार्मूला यूज करिए, दोनों के लिए फार्मूला, तो 10 इनवर्स आप लोग जानते हैं 12/5 प्लस 3/4, और नीचे हल करेंगे तो 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4
अरे यहाँ लिख देंगे टेन इनवर्स 63/16। अगला है पार्ट, इसका ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 20 हो जाएगा, और ये होगा 5 के 20 बचो 48, 4 5 20 35 15। इसका डेट हम हल कर रहे हैं 20, फिर क्या हो जाएगा 20 माइनस 36, 20 माइनस क्या बन जाएगा 36, प्लस टेन इनवर्स 63/16 का हो जाएगा 16। क्लियर है, ये 20 ले 20 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए कहाँ तक आ रहा है, 20 ले 20 नीचे हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, 20 ले 20 हम लोग का नीचे का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 20 ले 20 नीचे का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ आया जाए क्या बचेगा, टेन इनवर्स ये बचेगा 63/-16 प्लस टेन इनवर्स 63/16 प्लस वाले को आगे लिख रहे हैं तो टेन इनवर्स 63/16 और यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस टेन इनवर्स 63/-16। इतना तो आप लोग जान रहे होंगे, इतना तो जान रहे होंगे। चलिए यहाँ से एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हमको प्रूफ करके क्या लाना है पाई, हम लोग को प्रूफ करके क्या लाना है पाई, आप या तो साइन में ही बदल दीजिए, नहीं तो कॉस में ही बदल दीजिए, नहीं तो क्या बोले टेन में, कोई एक में बदलना होगा, हम इन दोनों को किस में चेंज किए, टेन में, टेन में ही, क्योंकि टेन वाला थोड़ा फार्मूला आसान पड़ता है, इसीलिए टेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मान बैठा है, ये दोनों का फार्मूला यूज किए हैं, आप लोग इधर हल करने जानी रहे, कट कर इतना है, ठीक है। अब इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, जब इसको मिटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा टेन इनवर्स 63/16 तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे इनवर्स में, टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स 63/16 कितना बन जाएगा 16। फिर माइनस का फॉर्मूला यूज करिएगा तो टेन इनवर्स क्या बन जाएगा 63/16 माइनस 63/16 और नीचे 1 प्लस 63/16 इंटू 63/16 हो गया है। हल करिएगा तो ऊपर हम लोग का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 0, ऊपर का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 0, और नीचे कुछ भी वैल्यू आया तो इसको हल कर 1 प्लस आप 63 × 63 का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 33 × 9 = 36 कितना हो जाएगा 9 8 8 16 6 7 1 8 1 9 39 69 होगा 39। तो डायरेक्ट ले दे रहे हैं, जब एलसीएम लीजिएगा तो 256 हो जाएगा, और 256 प्लस 39 69 39 69। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हल करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर में अगर 0 है तो सब वैल्यू को क्या बना देगा 0, ऊपर में अगर 0 है तो सब वैल्यू को क्या बना देगा 0, और आप लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स जो 0 होता है ना, टेन 0 का भी मान होता है और टेन पाई का भी मान होता है, याद रखिएगा टेन 180, टेन पाई का मतलब है टेन 180 का भी मान 0 होता है और टेन 0 का भी मान क्या होता है 0 होता है, लेकिन हमको आवश्यकता किसका है 180 वाला, इसलिए हम 180 का प्रयोग किए हैं, हल करेंगे कितना हुआ पाई। तो दैट इज, इस तरह से हम लोग का ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया प्रूफ हो गया, इस तरह से ये जो हम लोग का क्वेश्चन है ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम लोग का एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया बाबू 11, एग्जाम्पल नंबर हम लोग का कौन सा हो गया 11, क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल अगला पढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल की ओर हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर हम लोग का जो 12 है, 12 ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर जो हम लोग का 12 है, सिंपलीफाई टेन इनवर्स सुनिएगा, टेन इनवर्स क्या है a cos x प्लस b sin x,
ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स माइनस में है बी साइन एक्स बटा में बी कॉस एक्स माइनस ए प्लस ए साइन एक्स। इफ इफ ए बाई बी जो होगा वो क्या होगा, ए बाई बी टेन एक्स ग्रेटर देन किससे होगा, वन से। ठीक है, तो ये आप लोग कंडीशन है माइनस वन है बल्कि, तो सुनिएगा जब इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स नीचे क्या है हम लोग का ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बटा में बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, इतना हमारे पास वैल्यू है। अब सुनिएगा इसको हमारे पास क्या लाना है, टेन के रूप में लाना है, इसको हमारे पास किसके रूप में लाना है, आंसर टेन के रूप में चेंज करना होगा। तो अगर आप लोग जानते हैं कि अगर ए वैल्यू अगर हमारे पास नहीं होता, अगर ए वैल्यू हमारे पास नहीं होता तो हमारे पास ये डायरेक्ट फार्मूला था ना, लेकिन इसके आगे हमारे पास ए आ गया, इसके आगे बी आ गया, इसके आगे बी आया, इसके आगे ए आया, तो यही आप लोग का दिक्कत कर दिया। जब दिक्कत किया तो कुछ करना नहीं है, लिखिएगा इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा अंश तथा हर में, अंश तथा हर में। सुनिएगा हम लोग को किससे भागा देना, टेन में लाना है, तो बताया गया कि टेन में लाने के लिए कॉस से भागा देंगे, तो यहाँ जो बगल होगा या यहाँ देख कॉस तो यहाँ भी है, कॉस तो यहाँ भी है। अब बात रहा कि देखिएगा हम नीचे वाला कॉस से भागा देंगे, तो लिखिएगा अंश तथा हर में बी कॉस एक्स से, बी कॉस एक्स से भाग देने पर, बी कॉस एक्स से भाग देने पर, बी कॉस एक्स से भाग देने पर बाई डिवाइडिंग बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स बाई बी कॉस एक्स, बी कॉस एक्स से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ओके, तो सुनिएगा टेन इनवर्स बराबर में हल करें, यह हो जाएगा ए कॉस एक्स। अब बात है सर बी का है, बी कॉस एक्स से ही क्यों डिवाइड किए, तो हम लोग जानते हैं कि हर एक फार्मूला में जो टेन का फार्मूला होता है यहाँ पर एक होता है, क्या होता है एक, इसीलिए एक लाने के लिए हम बी कॉस एक्स से ही भागा दिए। ठीक है, तो बी नीचे लिख देंगे बी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बटा में बी कॉस एक्स, भागा दे रहे हैं ना। अब ध्यान देना है आप यहाँ देखिएगा आगे b cos x by हो जाएगा b cos x, अरे आप प्लस b sin a sin x, a sin x बटा में b cos x। क्लियर है, तो tan इनवर्स ध्यान देना आप लोगों को, a cos x से cos x कट जाएगा तो a by हम लोग का b बच जाएगा, माइनस sin b से b कट जाएगा तो tan x बन जाएगा, एक कट जाएगा तो यहाँ एक हो जाएगा और एक कटेगा तो क्या होगा ए बचेगा ए बाई बी इंटू हम लोग का बन जाएगा टेन एक्स, क्या बन जाएगा टेन एक्स, क्या बन गया अब टेन एक्स। और आप लोग जानते हैं एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे ना बाबू, क्या पढ़े हैं टेन इनवर्स आप लोग पढ़े होंगे एक्स माइनस वाई बटा में वन प्लस एक्स वाई, थोड़ा सा देखिए देखिए आप देखिए यहाँ पर क्या ए वाला रूप हमारा आया है कि नहीं, ए वाला रूप हमारा आया है कि नहीं, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स है, ये है एक्स का काम कौन किया तो एक्स का काम हम लोग का ए बटा बी किया, एक्स का काम ए बटा बी किया, और वाई के जगह पर काम कौन किया पूरा टेन एक्स किया, वाई के जगह पर पूरा काम कौन किया टेन एक्स किया। एक बार फिर से देखिए देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स वाई, तो देखिएगा एक्स का काम कौन किया हमारा ए बटा बी किया और वाई का काम कौन किया हमारा टेन एक्स किया, तो क्या इसके बराबर ए फार्मूला लिख सकते हैं बाबू, तो उसी के अनुसार जब चलेंगे तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स, जब यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आ गया तो यहाँ ए बाई बी है तो यहाँ ए बाई बी बन जाएगा ना बाबू, माइनस फिर लिखेंगे टेन टेन इनवर्स क्या लिखेंगे टेन इनवर्स, यहाँ y था तब ना y लिखे हैं लेकिन y का काम कौन किया तो tan x किया, तो यहाँ क्या लिख देंगे tan x लिख देंगे। फिर देखिएगा tan इनवर्स a बाई क्या बन जाएगा b हो जाएगा, और इसमें एक फार्मूला है
एक साल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ बाबू, 12 हुआ। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, 12 हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग एक क्वेश्चन ए दिया था, हम लोग को लाना किसके रूप में, टेन इनवर्स के रूप में। तो टेन के रूप में लाने के लिए जब कॉस साइन रहेगा तो भागा देते हैं। लेकिन अब बात रहा कि भागा किससे देंगे, कॉस तो बोल दिए, लेकिन यहाँ कॉस के साथ क्या है, बी है। अब बात रहा बी कॉस एक्स से ही क्यों भागा दिए है, ए कॉस एक्स से क्यों नहीं भागा दिए है। तो आप ध्यान रखिएगा बाबू, टेन का कोई भी फॉर्मूला याद रखिएगा तो नीचे हमेशा एक रहता है, नीचे हमेशा एक रहता है। इसलिए नीचे यहाँ पर एक लाने के लिए बी कॉस एक्स का भागा दिए दे दिए, और ये फॉर्मूला पर आ गया है, ठीक है। सुनिएगा फिर से, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x y। तो आप ही बताइए बाबू, यहाँ x है तब ना x है, यहाँ y है तो क्या है, y है। तो यहाँ भी x का कम कौन किया, a बाई b, और y का कम कौन किया, tan x, कट कर इतना आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 12। अगला क्वेश्चन हम एग्जांपल इसका 13 बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हम 13 का बात करने वाले हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम कौन हल करेंगे बाबू, 13। एग्जाम्पल इसका क्या है, 13। तो एग्जाम्पल है कि सोल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स क्या है, 3x बराबर पाई बाई कितना है, 4। जहां भी सोल्व का बात आएगा ना बाबू, जहां भी हम लोग का सोल्व का बात आएगा तो जहां भी सोल्व का बात आएगा तो हम लोग उसको दोनों को हल करेंगे, LHS और RHS दोनों साथ में लेकर चल देते हैं, ठीक है। तो सुनिएगा, tan इनवर्स 2x बटा में tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल पाई बाई कितना है, 4। तो ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, tan इनवर्स क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3x, 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, 3x, ठीक है। tan इनवर्स 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3x, क्लियर है। और नीचे जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हम लोग का tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटा में हम लिखेंगे कितना, फार्मूला होता है ना बाबू, 1 माइनस एक्स वाई, तो x काम 2x करेगा और y के काम 3x करेगा इक्वल पाई बाई 4। अब सुनिएगा, 2x इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 5x बटा में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल tan पाई बाई का बन जाएगा 4। अब देखिएगा फिर, 5x बटा में 1 माइनस 6x स्क्वायर tan 45 का मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर, तो 5x इक्वल क्या बन जाएगा, 1 माइनस 6x स्क्वायर। बुलाएंगे तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर, एक आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन पहले प्लस वाले 5x को लिख दे रहे और तब माइनस 1 इक्वल 0। फैक्टराइज करने आया गुणनखंड, तो प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। हल करिएगा, 6x का कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, और 1 का कॉमन लेंगे माइनस, तो x प्लस 1 इक्वल 0। तो x प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा, 6x माइनस 1 इक्वल 0। देख लिया जाए नीचे आ रहा है कि नहीं, चलिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको जब हल किया जाएगा तो हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 इक्वल 0, x अगर 0 माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल माइनस 1 हो जाएगा। ये असंभव बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, असंभव। और एक वो है 6x माइनस 1 इक्वल 0, तो 6x इक्वल 0 प्लस 1, इसलिए जब x निकालेंगे तो 1/6, जो कि इसको संभव बोलेंगे, और हम लोग का जो आंसर होगा ना यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जितना क्वेश्चन था हम उसको बना दिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा बाबू लोग,
आप लोग क्या करिएगा कि इसको फिर से शुरू से आप लोग 2.1 से स्टार्ट करिएगा और एकदम लाइन बाय लाइन रूल के अनुसार रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ये चारों को बारी बारी से चारों रूल पर आप लोग क्या करिएगा बनाइएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का NCERT का हम लोग का 2.2 हम लोग का वो समाप्त हुआ। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बाबू? कैलकुलस। क्या स्टार्ट करेंगे आप लोग का? कैलकुलस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, अगला दिन हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, जो कि आप लोग का 44 मार्क्स का है, जो हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।